हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंटैक्स बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को लिखने के वे को सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, तो फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर वे होता है। फॉर कीवर्ड का यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, तो उस वे को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं सेटअप रूल्स होते हैं, जिस रूल का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हेलो स्मॉल को प्रिंट किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बनाया गया है और यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की गई है और प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज किया गया है और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न जीरो, कर्ली ब्रेसेस, ये सारे सिंटेक्स हैं, एक सेटअप रूल्स हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब ये होता क्या है, ये डॉट एच एक्सटेंशन का फाइल होती है जिसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे स्टूडियो डॉट एच में प्रिंट एफ और स्कैन एफ वैल्यू इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए होता है। ओके, और सारे हेडर फाइल होते हैं जैसे कोनियो डॉट एच, एस टी डी लाइब्रेरी होती है, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, टाइम डॉट एच। मैथ में ये एम स्मॉल होता है। ओके, मैथमेटिकल के लिए फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, बस इतना समझिए कि इसके अंदर सम प्रीबिल्ट फंक्शंस आते हैं जिसका यूज करके हम लोग उसको हम लोग को लिखना नहीं पड़ता, उस फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग वो फंक्शन यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कर्ली ब्रेसेस क्या होता है। कर्ली ब्रेसेस ये बताता है हमको कि किसी भी फंक्शन, लूप और स्विच केस के स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है कर्ली ब्रेसेस। जैसे स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग बताता है कहाँ से ये लूप का, जैसे लूप है, लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लूप की बॉडी कहाँ एंड हो रही है, ये बताता है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और बात करें प्रिंटफ, प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो stdio डॉट एच के हेडर फाइल के अंदर आता है। उस फाइल को अगर ओपन करके देखेंगे, वो वहाँ पे होगा। अगर देवसी ऐप खोलेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे बिन ऑफ फोल्डर में और वहाँ पे एक इंक्लूड फोल्डर होगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक फाइल होगा stdio डॉट एच। अगर उसमें देखेंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन बना होगा प्रिंटफ का। तो प्रिंटफ का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करना। ओके, अ सेमी कॉलन क्या बताता है, सेमी कॉलन हर एक करेंट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ स्टेटमेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो करेंट लाइन वहाँ पे ख़त्म होगी, वो करेंट स्टेटमेंट ख़त्म जहाँ पे ख़त्म होगा वो बताता है ये। और आगे देखते हैं। और अब बात करते हैं टोकन्स की। टोकन्स होते क्या है, कीवर्ड हम लोग कह सकते हैं, एक वर्ड होता है और या कैरेक्टर होता है जो प्री डिफाइंड होता है और हर एक वर्ड या उस चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे कीवर्ड हो गए, सम सेट ऑफ कीवर्ड होते हैं, उसका कुछ मतलब होता है। और आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। जैसे बात करें कीवर्ड्स की, देन 32 कीवर्ड्स जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व होते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे देखिए, इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू, स्ट्रक्ट का मतलब एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है स्ट्रक्ट, उसमें कीवर्ड यूज़ किया जाता है उसको डिक्लेयर करने में स्ट्रक्ट। ऑटो, डबल, ब्रेक, एल्स, स्टैटिक, वाइल, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसका हम लोग आगे देखेंगे, हर एक कीवर्ड को कवर करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कीवर्ड 32 होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं और उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, अगर 32 कीवर्ड को छोड़ दें, उसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना हो तो ये सारे रूल हैं जो उसको फॉलो करने ही चाहिए। जैसे अगर 32 कीवर्ड को छोड़ दें, उसके अलावा अगर हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है या किसी फंक्शन को क्रिएट करना है तो हमको ये सारे रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे। जैसे आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर अंडर स्कोर कैरेक्टर। देखिए आइडेंटिफायर की स्टार्ट हो तो हमेशा अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या कैरेक्टर या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ लाइक 2 = 5, किसी भी नंबर या इस तरीके स्टेटमेंट टाइप का नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, मतलब ये है कि
कोई भी आइडेंटिफायर अगर वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर हो, वो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट होना चाहिए, देन न्यूमेरिक नंबर कोई हम लोग या अंडर स्कोर लगा सकते हैं। ओके, अंडर स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। नॉन कीवर्ड कैन बी यूज एज आइडेंटिफायर, बेसिकली जो 32 कीवर्ड जो है वो रिजर्व है, उसके अलावा जो होगा वो आइडेंटिफायर होगा। ओके, सो स्पेशल सिंबल की बात करें, देखिए स्पेशल सिंबल हैज़ टिल्ड एम्परसेंट एस्टेरिक ब्रेसेस कॉलन सेमी कॉलन, ये स्पेशल सिंबल है जिसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग। ओके, वो यूज कर सकते हैं, इसका एक नोट्स बना सकते हैं उसको हम, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब चलिए इस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मैंने स्टार्टिंग में दिया था उसको रन कराते हैं, फिर देखते हैं उसका आउटपुट कैसे हम लोग रन कराएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो ये कोड मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था अपना टाइम। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ओपन करेंगे, उसके बाद इस फाइल वाले मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सोर्स फाइल है, आप यहाँ से सोर्स फाइल ले सकते हैं या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है, न्यू पेज आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये कोड लिखना है वहाँ पे, और देखिए एग्जीक्यूट करने के शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। और यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूट पे, तो यहाँ देखिए कंपाइल एंड रन है, एफ़ या तो F11 प्रेस कर दीजिए, या तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे करेंगे तो रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले सेव करने के लिए आएगा। तो मैं हेलो स्मॉल कोड डॉट सी से मैं सेव करूँगा। ओके, डॉट सी एक्सटेंशन होता है जिससे सी प्रोग्राम को सेव किया जाता है। ओके, सो जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे वीडियो जो डॉट MP4 एक्सटेंशन से सेव होते हैं इस तरीके, और MP3 देखते हैं डॉट MP3, इसी तरह ये प्रोग्राम सी प्रोग्राम जो है डॉट सी से सेव होता है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हेलो स्मॉल कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रिंट क्या किया, हेलो स्मॉल कोड। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।